उम्मीदवार ईडी पाठक के लिए सिंगरौली में वोट मांगने पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। यहां एक जनसभा में कहा कि 1971 में पाकिस्तान हमले पर इंदिरा गांधी की जय जयकार हो सकती है, तो इस समय मोदी की जय जयकार क्यों नहीं हो सकती। कार्यक्रम जिला मुख्यालय बेड़न रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया गया था। पार्टी पदाधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। भरे मैदान में जनमानस का जुनून कुछ और ही दिखाई दे रहा था। चूंकि सीधी संसदीय चुनाव जहां देश की सुरक्षा एवं मोदी के विकास के लिए लड़ाई है, तो वहीं क्षेत्रीय प्रत्याशी एवं कांग्रेस के युवराज के लिए स्मिता की बात बन चुका है। राष्ट्रीय एवं अपने 5 वर्ष के सबके साथ सबका विकास के मद्देनजर गृह मंत्री ने सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को एक एक करके गिनाया। बालाकोट घटनाओं के मुंहतोड़ जवाब एवं सर्जिकल स्ट्राइक, अलगाववादियों को सबक सिखाना, धारा 370 आर्टिकल 35 से आदि का उद्धरण करते हुए कहा कि सिंगरौली जिले की तीनों विधानसभाओं में भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक को भारी मतों से जिताकर देश हित में मोदी सरकार को एक बार फिर जीत का संकल्प लीजिए। वहीं सिंगरौली से विधायक रामलल्लू वैश्य, देवसर से विधायक सुभाष वर्मा, पार्टी पदाधिकारी रहे उपस्थित। भाजपा प्रत्याशी एवं वर्तमान सांसद रीति पाठक ने कहा कि यह चुनाव स्थानीय स्तर पर नहीं है, देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समृद्धि एवं जल कल्याणकारी योजनाओं के साथ भारत को अग्रणी देशों में आगे करने के लिए मोदी सरकार को पुनः स्थापित करने का वचन देना है। आर्थिक संस्था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को स्वीकार करती है, विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जो किसी देश की है वो भारत की है, ये सभी सच्चाई को स्वीकार करें। जो भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता था, आज इस देश की 5 वर्षों के अंदर विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो गई। जो हमारा भारत 2014 में दुनिया के टॉप की अध्यक्ष कहता है, यदि हमारी सरकार बन गई तो मैं राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त कर दूंगा। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश करे, भारत को कमजोर करने की कोशिश करे, उस राष्ट्रद्रोही के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? कहते हैं मत करो, हम कानून ही समाप्त कर देंगे। अरे हमारा बस चले तो राष्ट्रद्रोह के कानून को और कड़ा करेंगे ताकि राष्ट्रद्रोह करने वालों की रूह कांप जाए। भारत ऐसा देश रहा है जो दुनिया के किसी देश की जमीन पर कब्जा नहीं किया, मर्यादाओं का हमने पालन किया है, लेकिन हमारी नीति साफ है, दुनिया में हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी नीति पूरी तरह से साफ। देख लिया पुलवामा में आपने क्या हुआ, देखा पुलवामा में क्या हुआ, लोग समझते थे कि 42 समझे जवान मान मार दिए गए, हम कोई हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं। फैसला हुआ बहन भाई, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकाने का सफाया कर दिया। पूछा जाता कांग्रेस के लोग पूछते बताइए कितने को मारा, मैंने भाइयों 2-4 रहे हो तो हम बतला देते, इतने सारे से कैसे बतला दे कितने को मारा। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, वीर लाशें नहीं गिना करते, जो गिद्ध होते हैं वह लाशें गिना करते। सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश मत करो मेरे कांग्रेस के दोस्तों, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।